गायब का इल्म महसूस हो रहा होता है, और इसी तरह बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आने वाले वक्त से पहले इंसान को पता चल जाती हैं। ये बहुत से ऐसे वाकियात हैं, इंशाल्लाह इन मुलाकातों में इंशाल्लाह बशर्ते मिला जाता है जब विरद ज़मां दुरूद ताज हो और अल्लाह का ज़िक्र हो, और इंतहाई मेरे रब का जब आप ज़िक्र करते रहेंगे तो ये मुईद इरफान को हाजिर करो, 98 मरतबा पढ़ें और आपको पता चल जाएगा। सुबह सुबह उस बंदे ने जाके वो गुठली निकाल दी, रात को किसी पहर बल्कि उसने वो गुठली निकाल दी। सुबह जब सारे इकट्ठे हुए तो देखा कि वहाँ दरख्त भी है, खोशे भी भरे हुए हैं, उसमें इंतहाई मेरे शैतवानी रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया सहेल, आपकी दोस्त, आपके हमदर्द। मैं आज आपा के पास बैठी हुई हूँ और मकसद ये है कि आपके जो दिमागों में सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आपको अक्सर चाहिए होते हैं और नहीं मिल पाते, ख़ास तौर पे गैब के इलम को लेके। आप में बहुत ये पाया जाता है कि गैब के इलम क्या है, ये कैसे हासिल किया जा सकता है, और क्या जिन लोगों के पास होता है कैसे पता चले कि वाकई उनके पास है कि नहीं। तो इस तरह हमारे लोग, कई मासूम लोग, बड़े दो नंबर फ्रॉडी लोगों के हाथों इस्तेमाल भी हो जाते हैं, नुकसान भी उठा बैठते हैं। तो आज हम बाजी से पूछते हैं, नरगिस आपा से पूछते हैं कि वो हमें थोड़ा इस हवाले से बताएं। बहुत नरगिस आपा, प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बहुत शुक्रिया सादिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी अमान में रखे। दरअसल ये हकीकत है, अल्लाह के अलावा गैब का इल्म किसी के पास नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने हबीब के सदके ऐसे ऐसे सिस्टम बनाए हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं, जैसे गैब का इल्म है। बाज़ औक़ात छठी हिस कहते हैं जिसे, ये वो चीज़ नहीं है। दरअसल ये अल्लाह और उसके हबीब के साथ, मोहब्बत के साथ और बहुत जोहद के साथ ये चीज़ें जज्ब होती हैं, और कुछ चीज़ें आपके आबाओ अजदाद से आ रही होती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मौरूसी तौर पे आपके अंदर आ रही होती हैं, और इसमें एक इल्म गायब का इल्म भी है, और ये हकीकत है। अल्लाह ताला ने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ये इल्म भी हम तक पहुंचाया, और जैसा कि एक काफिर आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, या नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा मौजज़ा दिखाएं गायब का कि जो अंदाज़ा हो जाए कि वाकई मैं फिर ईमान लाऊंगा। एक गुठली लाया और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज ये गुठली लगाएं और कल ये दरख्त बन जाए। आपने उसी वक्त अल्लाह के साथ राबता किया और वो गुठली आपने ज़मीन में लगा दी, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके कहा कि ऐ अल्लाह, तू जानता है और तू गैब का इल्म जानता है, और ये सुबह दरख्त बन जाए। सुबह सुबह उस बंदे ने जाके वो गुठली निकाल दी, रात को किसी पहर बल्कि उसने वो गुठली निकाल दी। सुबह जब सारे इकट्ठे हुए तो देखा कि वहाँ दरख्त भी है, खोशे भी भरे हुए हैं, उसमें इंतहाई खजूरें लगी हुई हैं, और उन खजूरों में गुठली नहीं है। तो ये वो मौजज़ा है मेरे नबी का जो अल्लाह ताला ने अपने हबीब तक पहुंचाया। अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाए। ये बात सच है, मौजज़ात भी हैं और गायब का इल्म भी है। गायब के इल्म में ये ऐसा जोहद है जिसे अल्लाह ताला स्पेशल जिन बंदों को देता है तो उसमें चुन चुन के देता है, और बहुत सी आजमाइशें होती हैं। आज के दौर में वाकई ये बहुत मुश्किल है लोगों को मुतमईन करना कि गायब कैसा है। एक खातून ने मुझे फ़ोन किया और कहा, मेरे शोहर का दिमाग में फालिज हुआ है और वो ज़हनी तौर पे अपसेट हैं, बाजी मुझे ये बताइए कि मेरा शोहर इस वक्त कहाँ होगा। मैंने कहा, मैं अल्लाह से मशवरा करती हूँ, आप ये पढ़ाई करें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
या मुईदो इरफान को हासिल करो, या मुईदो इरफान को हासिल करो 98 मरतबा पढ़ें और आपको पता चल जाएगा। और जो ही मैंने इधर से अल्लाह से दुआ की, मुझे लगा कि वो एक ढाबे पे बैठे हैं, कपड़े भी बड़े मैले हैं और वो समत ऐसे लगती है जैसे फैसलाबाद हो, और जबकि उस बंदे ने जाना था मुजफ्फरगढ़। तो अल्लाह की करम नवाजी देखें कि अल्लाह के कलाम पढ़ने से उस खातून तक टेलीफोन आ गया कि आपका बंदा यहाँ बैठा हुआ है और इसका दिमागी तवासन ठीक नहीं है, जबकि वो सारे जाके उससे ले आए। इसको कहते हैं गायब का इल्म। और ये हकीकत है कि कुछ ऐसे अल्लाह ताला की तरफ से मौकलात और फरिश्ते जो हम सारा दिन जिक्र करते हैं, इबादत करते हैं, हमारा एक सिस्टम है दुरूद पाक का, हर हफ्ते वो हमारा दुरूद पाक 50,000-60,000 फी बंदे का जब इकट्ठा होता है तो करोड़ों की तादाद में चला जाता है। जब विरद ज़मां दुरूद ताज हो और अल्लाह का जिक्र हो और इंतहाई मेरे रब का जब आप जिक्र करते रहेंगे तो ये गैब का इल्म भी सब पे आश्कार हो सकता है। नियतें ठीक हों इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला बरकत व खैर दे। सादिया आप बताएं कि आपकी मेरी मुलाकात जो हुई थी किस तरह हुई थी, उसमें भी थोड़ा सा कोई गैब का आंसर था। बिल्कुल। और इसी तरह हमारी बहन सलोनी बुखारी थी, और मैंने सलोनी बुखारी को कहा, सलोनी बुखारी आप जिस घर में रहती हैं तो आपके घर में कुछ ऐसा सिस्टम हो रहा है जिसे काला जादू कहते हैं, और आप अपना चेकअप करवाएं, आपको कुछ हो रहा है। और उन्होंने वाकई डरते हुए अपना चेकअप करवाया तो उनको गार्ड ब्लैडर का भी मसला था और साथ में ना उनको ब्लड कैंसर हो गया। तो वो कहती हैं आपा आपको कैसे पता चला? मैंने कहा सलोनी ये मोहब्बत है और अल्लाह की तरफ से गायब का इल्म महसूस हो रहा होता है। और इसी तरह बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आने वाले वक्त से पहले इंसान को पता चल जाती हैं। ये बहुत से ऐसे वाकियात हैं, इंशाअल्लाह इन मुलाकातों में इंशाअल्लाह बशर्ते मेरी ज़िंदगी वो आपके और मेरे साथ होते रहेंगे, मैं बताती रहूँगी। और आप सादिया सुहेल राना से बात करें, बहुत प्यारी सी नाइस सी मेरी बेटी, ये लें। सादिया आप कुछ कहें। जी, गैब के इलम की बस असलोनी आपा का वाक़या बताया, इसी तरह मैं भी परेशान थी, कुछ इस तरह के मामलात थे तो मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपा का ख़ुद फ़ोन आ जाता है, तुम्हारे साथ मसले चल रहे हैं, ज़रा अपना ध्यान करो, इस तरह पढ़ लो, ये पढ़ाई कर लो। और इनकी फिर गाइडलाइन में मैंने बहुत ज़्यादा बहुत से मसाइब से इंसान बच सकता है। अल्लाह की इसी तरह के नेक लोग हैं जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। बहुत शुक्रिया।